उत्तराखंड के जंगलों के धधकने का सिलसिला जारी है। बढ़ती गर्मी अब परेशानी का सबब बन रही है। एक तरफ जंगलों को नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर जंगली जानवरों को खतरा बढ़ रहा है। कई जगहों पर याक बेकाबू हो चली है। उत्तरकाशी जनपद के जंगलों में निरंतर आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी में जंगलों में आग के लिहाज से उत्तरकाशी वन प्रभाग, टोंस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग संवेदनशील है। चिंता की बात तो यह है कि अलर्ट मैसेज मिलने के बाद भी वन अधिकारी जाग नहीं रहे। उत्तरकाशी वन प्रभाग की बात करें तो बाड़ाहाट में 6, मुखेम में 14, डुंडा में 16 घटनाएं और धरासू में 1, कुल मिलाकर 37 घटनाएं घट चुकी हैं। 17 हेक्टेयर जंगल जलने के साथ ही वन विभाग को करीब 37,000 से 50,000 तक की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। टोंस वन प्रभाग में 30 घटनाएं घटने के बाद 20.60 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वनों को आग से बचाने में नाकामयाब साबित हुए। जहां वन विभाग ये कहता है कि वो अलर्ट है, वहीं उसके इस अलर्ट होने का असर नजर नहीं आ रहा और जंगल जलते जा रहे हैं। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।